हेलो, वेलकम टू माय थर्ड ब्लॉग। और यहाँ से आज हम लोग जयपुर जाने वाले हैं, तो जयपुर का ट्रिप हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये तेजस लगी है, तेजस से नहीं जा रहा हूँ मैं, जियारत एक्सप्रेस है, अगले वाले जंक्शन पे लगी है, सॉरी जंक्शन नहीं, अगले वाले प्लेटफॉर्म पे लगी है। तो जियारत एक्सप्रेस से हम जाने वाले हैं, ट्रेन आके लग चुकी है, तो जा रहे हैं हम दो नंबर प्लेटफॉर्म पे। अभी फ़िलहाल मैं हूँ राजेंद्र नगर टर्मिनल पे, तो मिलते हैं जयपुर के सफ़र में। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे आगरा, और पीछे हमारी ये ट्रेन है, इसी कोच से मैं जा रहा हूँ। और अभी भी जयपुर पहुँचने में काफ़ी लेट है, आगरा चूँकि 7:50 में आना था, लेकिन यहाँ पे समय हो चुका है 9:37, तो लेट चल रही है ट्रेन। चलो कोई बात नहीं, एसी कोच है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 घंटे फिर भी लेट है। तो हम लोग मिलते हैं अब आपसे सीधा जयपुर में। बाय बाय। रात हो चुकी है और हम लोग शाम में होटल में आराम करने के बाद अभी निकले हैं जयपुर घूमने के लिए। तो अभी तो चूंकि सारी मतलब मॉन्यूमेंट्स वगैरह बंद हो चुकी हैं, तो हम लोग जाएंगे पहले जोड़ी बाज़ार, बापू बाज़ार और कोई आसपास मॉल ढूंढेंगे। और जाने के लिए हमने सिलेक्ट किया मेट्रो, तो चलिए मिलते हैं जोड़ी बाज़ार में। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे जौहरी बाजार है ना भैया, ये जौहरी बाजार है ना, बिल्कुल बाजार है। तो यहाँ शॉप नंबर 214 में मोहित बैंगल से हमने कुछ शॉपिंग की है, और हमारी मम्मी है, आंटी है, वो सारे भी शॉपिंग कर रही हैं। कुछ बैंगल्स मैंने लिए, आप भी आए तो हमारे भैया है, भैया आए बोल रहे, भैया से बैंगल्स जरूर खरीदना। और यहाँ पे और भी अच्छी अच्छी ये देखो आप ज्वेलरी देखो, ये सारी और भी यहाँ पे इयर रिंग्स वगैरह है, और जितनी भी ज्वेलरीज ये देख सकते हैं, अलग अलग चीज़ भैया सारी रखे हैं, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ से ले सकते हो। बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। चलते चलते हम लोग आ पहुँचे हैं यहाँ पे जौहरी बाज़ार में, और यहाँ गणेश चतुर्थी होने के कारण काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और लाइटिंग तो काफ़ी शानदार है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी बढ़िया नज़ारा यहाँ पे बन रहा है, काफ़ी बढ़िया माहौल बन रहा है यहाँ पे जौहरी बाज़ार। सुबह में से ज़्यादा मुझे लगता है शाम में ही आने में मज़ा है, तो आए यहाँ पे अलग अलग जयपुर के ट्रेडिशनल कपड़ों से लेकर ट्रेडिशनल जूतों तक के सभी के मजे ले सकते हैं। मिलते हैं अगली जगह पे। शाम का नज़ारा काफ़ी मनमोहक था जयपुर में, काफ़ी बढ़िया लाइट्स के द्वारा सजाए गए थे, और गणेश चतुर्थी का भी अपना अलग ही मज़ा था। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहुंच गए हमारे फेमस हवा महल। इसके बारे में ये कहा जाता है कि हवा महल यहाँ की रानियों के लिए बनाया गया था, ताकि झरोखों से वो बाहर शहर में हो रहे सारे कार्यक्रम, सारे जुलूस जो निकलते थे, वो इन छोटे छोटे झरोखों से शहर को देख सके। इन्हीं के लिए हमारा ये हवा महल, जो कि सिटी पैलेस का ही बोला जाता है कि अंदरूनी हिस्सा है। गुड मॉर्निंग गाइस, इन डे टू, और आज हम लोग यहाँ पर आ पहुँचे हैं बिरला मंदिर, और पीछे ये एक कोई फोर्ट भी है पीछे, इसके बारे में तो अभी मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं ली, पर इधर मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में आपको। बिरला मंदिर हम आ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं मंदिर के अंदर। काफ़ी ही बढ़िया जगह बिरला मंदिर। तो सुबह की शुरुआत करने के लिए हमारे पास इससे अच्छी और कोई जगह नहीं हो सकती थी। और जैसा कि मैंने ये फोर्ट दिखाया आपको, इसका नाम नहीं बताया था, तो मुझे नाम पता चला, ये है मोती डुंगरी फोर्ट। आइए यहाँ बिरला मंदिर में, यहाँ पे
ये एक शिव जी की मूर्ति लगी है यहाँ पे बाहर में ही। बम बम भोले। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। तो अंदर तो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, हम लोग बाहर आ चुके हैं। मंदिर काफ़ी सुंदर बना हुआ है, आप लोग आएँ। यहाँ की नक्काशी, यहाँ के मतलब जो भी हस्तकला है, मार्बल्स पे काफ़ी अच्छे निखरे हुए हैं। तो बिरला मंदिर भी आपके बकेट लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए अगर आप जयपुर आएँ। तो मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन पर। तो हम लोग आ चुके हैं अपने सेकेंड डेस्टिनेशन पर, जो कि है अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुराने समय के राजा महाराजाओं के तलवार वगैरह रखे हैं। तो चलिए अंदर, तो वही वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर से हम लोग आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर है यहाँ का। अंदर मैंने देखा कि काफी लोगों को फोटो ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे, तो हमने भी थोड़ी सी वीडियो बनाई है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम की। ये काफ़ी बड़ा है, एक वीडियो में कवर नहीं होगा, तो इसलिए आप यहाँ पर आके ही इसका मज़ा लें। यहाँ पे हम लोग अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के बाद जू स्किप करके यहाँ पहुँचे हैं जंतर मंतर। अंदर का हमने टिकट ले लिया है, तो अभी हम लोग जाने वाले हैं जंतर मंतर। अंदर के बारे में बहुत सारी रहस्यमय और काफ़ी दिलचस्प बातें हैं जो मैं आपको अंदर चल के बताऊँगा कि कैसे यहाँ पर समय देखा जाता था, यहाँ पे ग्रह नक्षत्र सारे कुछ देखे जाते थे जो हिंदू मैथोलॉजी में आपको मतलब माने जाते हैं। तो चलिए चल के दिखाएंगे मंदिर की क्या क्या चीज़ें हैं। और इसको हम लोग तो शायद नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कुछ भी अगर लिखा होता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं दूंगा आपको। चलते हैं अंदर। धूप आ चुकी है यहाँ पर जयपुर में, सुबह से मौसम काफ़ी अच्छा था, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़नी चालू हो गई है। तो अभी हम लोग जंतर मंत्र के बीच में एकदम बिल्कुल, ये काफ़ी सारे यहाँ पर देखो यंत्र बने हुए हैं जो सवाई जय सिंह के द्वारा बनाए गए थे। इन सब का कुछ ना कुछ काम है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट कोई नोट नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए। तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप यहाँ पर आएँ और ऑब्ज़र्व करें, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर मज़ा आने वाला है आपको। और इसके अलावा भी जो गार्डन वगैरह बने हैं यहाँ पे ना, वो काफ़ी शांत, काफ़ी मतलब सुंदर बनाए गए हैं। तो आए यहाँ पे, आप भी इंजॉय करें। और अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो आप गाइड कर सकते हैं, गाइड यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता देंगे। ये यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं जंतर मंतर के अंदर, और यहाँ पे काफ़ी सारी दिलचस्प चीज़ें बनाई गई हैं। किले से सीधा यहाँ पे प्रवेश था, और समय देखने के लिए, मौसम जानने के लिए, ये जो है ये समय और मौसम दोनों बताती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिटी पैलेस का भी नज़ारा यहाँ से दिखता है। यहाँ पे काफ़ी ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाई गई हैं, मतलब कि ये एक ऑब्जर्वेटरी थी जो कि सवाई जय सिंह, जिनको कि काफ़ी ही ज़्यादा दिलचस्पी थी इन सब चीज़ों में, जो हमारा आउटर स्पेस है, जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं, इन सब में काफ़ी दिलचस्पी थी। तो उन्होंने ये सारी चीज़ बनाई है। और ये जो है ये किसी पार्टिकुलर एंगल पे बेंट है, और ये इक्वेटर के पैरेलल हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो अब देख लो कितने पुराने समय में, जब हमारे नासा की टेक्नोलॉजी भी नहीं आई थी, तब के समय के ये सारे चीज़ें हैं। सो एज फार एज आई नो, दिस इज़ द बिगेस्ट सन डायल प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। This is also mentioned in the Guinness Book of World Record. Its accuracy is around only 2 seconds plus or minus, only 2 seconds accuracy, and this will be valid for I don't know, but around the next 1000 year also. So this was built by Raja Sawai Jai Singh, and this is the biggest sundial present. Approximately it's up to 8 story building or maybe 10 story building, but yeah, here it is mentioned in the Guinness Book of World Record. अगले ट्रिप के लिए हम लोग बढ़ चुके हैं इधर अमेर फोर्ट, और थोड़े ही देर में अब हम लोग अमेर फोर्ट जाने वाले हैं। उसके लिए हमने ये टेंपल है जो भूल भुलैया में दिखाया गया था आपको। अच्छा जी,
यहाँ पे शूटिंग हुआ था उसका। मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ। और ये स्टेप वेल है, यहाँ पे दबंग थ्री, धड़क, पहेली, इन मूवियों का शूटिंग हुआ। यहाँ हम रोकेंगे, यहाँ पर घूम जाना है। और ये हम लोग अंदर आ चुके हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पन्ना मीना का कुंड, जो कि वाटर स्टोरेज के लिए बनाया गया था और काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया था। बहुत सारे यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, दी गई हैं, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है इसका पानी स्टोर करने के लिए। सो वेलकम देवी और सज्जनों, हम आ चुके हैं अमेर फोर्ट। यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा, क्लियर हो रखा है, ब्लू ब्लू स्काई, और हम लोग अभी चल रहे हैं अमेर फोर्ट के अंदर। ये जो प्यारी धुन बज रही है, ये कोई बैकग्राउंड में नहीं है, ये यहाँ पे बैठ के बजा। तो हम लोग आ चुके हैं अंदर अमेर फोर्ट के, और ये है कुछ यहाँ का नज़ारा। वो है हमारा मेन फोर्ट, जहाँ पे हमारे राजा महाराजा बैठा करते थे। सुबह से मौसम काफ़ी अच्छा था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा धूप हो गई भाई साहब, बहुत तेज़ धूप बिल्कुल, और मानसून वाली धूप तो कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो हम अब छाए में आ रहे हैं, बहुत ही गर्मी हो रखी है भाई साहब। तो आप यहाँ पर गर्मी के मौसम में आना तो बिल्कुल अवॉइड करें, ठंड का मौसम आप चूज़ करें आने के लिए, बड़ा मज़ा आएगा, सुकून दे। गेस करो हम कहाँ हैं। हमारे पीछे ये हमारा जयपुर का फेमस जल महल, जिसको कि यहाँ के राजा ने बनवाया था। और जल महल का माना जाता है, लोग कहते हैं कि तीन फ्लोर नीचे है और दो फ्लोर ऊपर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो पत्थर पे बनाए गए हैं और एक ही फ्लोर है जो ऊपर है। और ऊपर इसके एक बहुत ही सुंदर गार्डन बनवाया था महाराजा ने, कि खाली समय में अपना नाव के रास्ते वहां जाकर और गार्डन में बैठ सके। तो थोड़ा और हम आसपास का व्यू दिखाते हैं आपको बैक कैमरा से। ये हमारे जल महल के बाहर लगने वाले बाजार हैं। अभी चूंकि आफ्टरनून है, 3:30 बज रहे हैं और गर्मी भी बहुत है। अभी थोड़ी सी बादल आई है तो ठंड है, लेकिन गर्मी बहुत है यहाँ, तो इसीलिए बाजार में थोड़ी थोड़ी ठंडी दिखाई दे रही है। शाम होते वक्त यहाँ पर भीड़ बढ़ जाएगी। और ये जल महल, जिसके बारे में कहा जाता है कि अंदर शीशे की बहुत अच्छी अच्छी नक्काशियाँ की गई हैं, दीवार पे अलग अलग पेंटिंग लगाए गए हैं और काफ़ी अच्छे डिज़ाइन अंदर बनाए गए हैं। तो पहले चूँकि जल महल में एंट्री मिलती थी, लेकिन अब तो यहाँ पे बंद है। पता नहीं सरकार इसको शुरू करने के विचार में है या नहीं, लेकिन अभी तो फिलहाल हम लोग बाहर से ही देख सकते हैं। तो ये कुछ नज़ारा जल महल का। और हवा महल आके हमारा यहाँ पर day 2 खत्म हुआ, और अब हम लोग जा रहे हैं अपने होटल, रेस्ट करेंगे। मिलते हैं आप सबसे day 3 में, तो टाटा। तो day 3 हमारा शुरू होता है, और हमने तो होटल के ब्लॉग बनाए नहीं थे। तो ये है हमारे पीछे होटल रास पैलेस, ये है हमारा होटल। तो यहाँ से हम लोग स्टे कर रहे हैं
और डे थ्री अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं आज हम लोग नाहरगढ़ फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट देखने। तो मिलते हैं आपको नाहरगढ़ के रास्ते में, रास्ते के मैं कुछ वीडियो डालूंगा और उसके बाद मिलते हैं सीधा फोर्ट पे। और होटल की कोई भी डिस्क्रिप्शन होगी मैं उनका नंबर दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी के लिए टाटा। काफी ऊपर स्थित है हम और जयपुर सिटी की लगभग पूरी व्यू दिख रही है। ये है हमारा नाहरगढ़ फोर्ट। आइए दिखाते हैं आपको जयपुर का कुछ नजारा यहाँ से। बहुत ही कड़ा धूप है लेकिन धूप के साथ साथ हवा ठंडी ठंडी चल रही है तो धूप चुभ नहीं रहा है, काफी बढ़िया लग रहा है। हमारे पीछे ये जयपुर की फेमस वैक्स म्यूजियम और यहाँ अंदर जाने का टिकट है 500 रुपये पर पर्सन, चाहे वो इंडियन नेशनल्स हो। फॉरेन नेशनल्स का नहीं पता लेकिन इंडियन नेशनल्स के लिए मिनिमम 500 रुपये पर पर्सन और 7 साल के नीचे के बच्चों का फ्री टिकट है। बताया जा रहा है कि अंदर शीश महल काफ़ी अच्छा सा बनाया हुआ है और भी कई सारी नक्काशी है, कई सारे वैक्स है राजा महाराजा के, जो हमारे यहाँ पुराने राजा महाराजा थे और जो महारानी थी, सभी के वैक्स यहाँ पे बनाए हुए वैक्स स्टैचू। तो अंदर चल के अगर आप देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं। ये सबसे सुंदर जगह बताया जा रहा है यहाँ जयपुर में। ये एक वेल है जिसको स्टेप वेल नाम है, मिडिवेल पीरियड का बना हुआ है और राजा महाराजाओं ने इसको इस तरह से बनाया था कि चारों तरफ से पहाड़ का पानी आके आपको इसी में स्टोर होता था और इसमें मतलब कि कैनल्स जो बने हुए जहाँ से इसमें पानी आ रहे हैं उसमें सारे में फिल्टर लगा था। तो ये काफ़ी ही मतलब रेगुलर यूज के लिए पानी आप यहाँ पे स्टोर कर सकते थे गर्मियों में। यूनिक चीज़ दिखी मुझे यहाँ पे, आइए मैं आप सबको दिखाता हूँ। ये तिजोरी, इतनी बड़ी तिजोरी है यहाँ पे, उतना ही बड़ा यहाँ पे ताला लगा है और साथ में चाबी भी है। तो ये शायद राजा महाराजा अस्त्र वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल करते होंगे या हीरे जवाहरात, पता नहीं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी है साइज़ में। भाई सब देखो, आप एक कार लगी और ये तिजोरी का साइज़ देखो। हम लोग हैं अभी नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर और ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो मैं पूरी फोर्ट की वीडियो नहीं बना सकता, मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ। टेरिस पे जाने वाले हैं यहाँ से, तो ये हम लोग चले। काफी संकरा रास्ता है यहाँ से टेरिस पे जाने के लिए, एक बार में कोई एक ही यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। ये हम लोग टेरिस पे हैं और एक वीडियो में तो मैं पूरा महल नहीं कवर कर सकता लेकिन यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा है और जो हमारे मिडवेल पीरियड्स के आर्किटेक्ट थे वो सब यहाँ को देखने को मिल सकते हैं आपको। तो हम लोग अभी जाने वाले हैं, ये हमारा जयपुर का वैक्स म्यूजियम है और ये वहाँ मैंने एंट्री के लिए टिकट्स ले लिए हैं। तो हम लोग जाने वाले हैं अभी अंदर। अंदर काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें, अंदर चूँकि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो मैं अंदर तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन बाहर से आपको बता रहा हूं कि अंदर काफ़ी बढ़िया जगह है और आप लोग एक बार यहां पर विजिट ज़रूर करें। अभी हम लोग पीछे ये वैक्स म्यूजियम से निकले हैं और काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस। आप यहां पे वैक्स म्यूजियम आना बिल्कुल नहीं छोड़ना। वैक्स म्यूजियम में आपको कई सारे सेलिब्रिटीज़, कई पुराने राजा महाराजा, इवन महाराणा प्रताप के रियल लाइफ स्टैचू यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और उसके अलावा सवाई मान सिंह, सवाई जय सिंह और जो सवाई राम सिंह है उनकी भी है और लास्ट में हमारे जो लास्ट क्वीन थी यहाँ की उनकी भी एक रियल लाइफ वैक्स स्टैचू है। और इसके अलावा हमारे पीछे ये टाइगर बोल रहा है, ये देखो ये टाइगर दिख रहा है आप लोगों को।
ये हमारा यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। अभी मैं जा रहा हूँ, पीछे यहाँ पे पॉटरी हो रही है, तो वो पॉटरी करने जा रहा हूँ मैं, और उसके बाद देखते हैं कि और आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। और ये देखो, बहुत ही वंडरफुल। तो हम लोग अभी शीश महल से भी बाहर आ चुके हैं, और शीश महल काफी सुंदर बनाया हुआ है। लगभग 25 लाख शीशे के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ के वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग नक्काशी की गई, अलग अलग फूल बनाए गए अंदर दीवारों पे, जहाँ जहाँ पेंटिंग्स है सोने की परत चढ़ाई गई है ताकि उनकी चमक बरकरार हो। तो यहाँ पर आप आए तो शीश महल बिल्कुल मस्ट विजिट है। और जो शीश महल है, वैक्स म्यूजियम है, यहाँ पर ये सारे शो है, जो नाटक है, और उसके अलावा मैजिक शो है, पॉटरी है, ये सारे आपको 500 में इंक्लूडेड हैं पर पर्सन, जो मैंने शुरू में बताया था। और इसके अलावा फोटोग्राफी अंदर आपको कहीं अलाउड नहीं है, शीश महल में तो एक्सटर्नल फोटोग्राफर भी नहीं। और बाकी जो हमारा वैक्स म्यूजियम है उसमें हमारे आप फोटोग्राफर सारे रहते हैं यहाँ पे अवेलेबल, उनसे कुछ रेटिंग है यहाँ पे फोटो की, 200 के शायद मेरे ख्याल से 8 फोटो और 300 के 15 फोटो ऐसे ही है, तो वहाँ से आप फोटोज ले खिंचवा सकते हो। शीश महल के आपके अंदर आपको कोई फोटोज नहीं मिलेंगी, तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ जरूर आएंगे। मैं चला अपनी फोटोज लेने। शाम के बज रहे हैं 6:30 और हम लोग निकल चुके हैं शाम को वापस से अपने जौहरी बाजार और बाबू बाजार घूमने, और अब मैं अकेला निकला हूँ, फैमिली के साथ नहीं निकला हूँ। तो मैं जा रहा हूँ थोड़ी मस्ती करने, थोड़ा इन्जॉय करने, थोड़ा स्ट्रीट फूड टेस्ट करने, और भी बहुत कुछ। तो चलिए मिलते हैं अपने आगे के सफर में। हमने अपने जयपुर के ट्रिप पे काफ़ी मस्ती की, काफ़ी जगह घूमे, और शाम में तो क्या ज़बरदस्त यहाँ पर लाइटनिंग रहती है, तो काफ़ी मज़ा आया हमें। आप भी आएँ यहाँ पर जयपुर घूमें, और मैं चलता हूँ शॉपिंग पे। ये भैया यहाँ पर काफ़ी समय से इयररिंग बेच रहे हैं, कितने टाइम हो गए भैया? 8 साल हो गए इनको। और ये शॉप नंबर कितना? 173 शॉप नंबर के सामने, जौहरी बाजार शॉप नंबर 173 के सामने। यहाँ से इयररिंग्स है और भी कई सारे चीज़ है, बैंगल्स वगैरह है, और ये शॉप नंबर 173 है, इसमें भी सारी की दुकानें हैं। तो आप लोग यहाँ भी आएँ और शॉपिंग करें और यहाँ पे मस्ती करें। हाँ, क्या बताऊँ, जयपुर का व्लॉग मेरा अब यहाँ ख़त्म होने को आया है। मैं अभी खड़ा हूँ बड़ी चौपर मेट्रो स्टेशन यहाँ पर पीछे, और मेट्रो पकड़ के मैं होटल जाने वाला हूँ, और सुबह मेरी ट्रेन है। सुबह मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ, पटना नहीं जा रहा, तो दिल्ली में भी एक दिन का मेरा व्लॉग बनेगा, व्लॉग को मैं कंटिन्यू रखूँगा। तो आगे देखते रहें और इन्जॉय करते रहें। तो अभी टाटा बोलने का समय आ गया जयपुर को, बाय बाय। सॉरी गाइस, हम लोग दिल्ली में ज़्यादा वीडियो नहीं शूट कर पाए हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादा जगह गए भी नहीं। एक DLF मॉल नोएडा गए थे कल, और आज यहाँ पर हम लोग आए थे गुरुद्वारे, तो बस एक गुरुद्वारा घूमा है हमने, उसकी थोड़ी सी वीडियो बनाई है, वो मैं ऐड कर दूँगा। और यहाँ पर हमारा ट्रिप ख़त्म होता है, और मैं जा रहा हूँ अभी स्टेशन, और ये बैक टू होम। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के मेट्रो स्टेशन पे, ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये देखो भाई साहब, पता नहीं ऊपर कैसे लेटा पर है, और काफ़ी बढ़िया बना रखा है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए मेट्रो चलती है। तो यहाँ का नज़ारा काफ़ी बढ़िया, काफ़ी सुंदर मेट्रो स्टेशन, मतलब सबसे बेस्ट मेट्रो स्टेशन लग रहा है, एयरपोर्ट पर हूँ मैं। तो चलिए बाय बाय, और हमारा जयपुर का व्लॉग यहाँ पूरा होता है। मिलते हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।